हेलो नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड डूइंग ग्रेट एट योर ओन प्लेसेज। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन नरिशमेंट की। विंटर में स्किन को कैसे केयर किया जाए, कैसे विंटर में जो स्किन है उसको हाइड्रेटेड रखा जाए, और विंटर में कैसे जो स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई होने से जो ब्रेकआउट्स हो जाते हैं उनसे कैसे बचा जाए, उनको कैसे क्योर किया जाए, उनसे कैसे निजात पाई जाए। तो इसके लिए अपने को बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट चाहिए, और उनके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर आज थोड़ा अलग तरीके से उसको यूज करने वाले हैं। और इसके लिए अपने को जो चाहिए वो है आधा या थोड़ा सा कटा हुआ स्मॉल पोर्शन ऑफ बनाना। एंड बनाना में जो है विटामिन ए एंड सी होता है, और ये स्किन को ग्लो देने में, स्किन में जो ब्रेकआउट हो चुके हैं उनको सही करने में, और जो अपने छोटे छोटे पिंपल वगैरह जो हो रखे हैं उनको दूर करने में काम आता है। तो दूसरा जो इंग्रेडिएंट अपने इसमें मिलाने वाले हैं वो है बीटरूट पाउडर। मैंने यहाँ बीटरूट पाउडर लिया है। आप चाहे तो आप बीटरूट को मैश करके उसका जो लिक्विड है वो भी यूज कर सकते हैं। बीटरूट के बहुत सारे फायदे हैं। इसको खाने से खून तो बढ़ता है ही, बल्कि इसको अगर अपने स्किन पे, मुंह पे एक रेगुलर इंटरवल में अपने लगाते हैं तो इससे अपनी जो स्किन है, अपनी जो स्किन पे एक्ने स्कार्स है वो सब दूर हो जाते हैं। बीटरूट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स एंड विटामिन्स पाए जाते हैं, तो अपने इन दोनों को स्मॉल स्मॉल पोर्शन में लेंगे, यानी थोड़ा पोर्शन अपने बनाना का लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, और थोड़ा पोर्शन अपने एक चम्मच डेढ़ चम्मच के लगभग बीटरूट पाउडर को लेंगे। दोनों को बनाना को मैश करते हुए दोनों को अच्छे से मिक्स करने के लिए, स्किन को हाइड्रेशन देने के लिए, स्किन को मॉइस्चराइजेशन देने के लिए, और जो सर्दियों में अपनी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है उसको उससे अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें मिक्स करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल डालेंगे दो चम्मच के लगभग, और अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, ज्यादा ड्राई रहती है, ये नाक के आसपास, होठों के आसपास आपकी स्किन फट जाती है सर्दियों में, तो आप इससे ज्यादा एलोवेरा जेल का यूज भी इस मास्क में कर सकते हैं। और इन तीनों इंग्रेडिएंट को एक कटोरी में ले लीजिए, फिर अच्छे से बनाना को स्पून की हेल्प से या हाथ से या जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे आप इनको मिक्स करिए। धीरे 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 आराम से मिक्स करते जाइए, बाद में ये एक अच्छी कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बन जाएगा और ये आपको फेस पे लगाने के लिए रेडी है। इस फेस पैक को लगाने के बाद आपको तकरीबन 20 मिनट तक इसको स्किन पे रखना है, और फिर उसके बाद इसको धो लेना है नॉर्मल पानी से। ज्यादा ठंडा पानी है तो आप थोड़ा नरम नरम पानी इसके लिए ले सकते हैं। पहले इसको मसाज करिए, थोड़ा सा इसको गीला करके, वेट करके हाथों को अच्छे से मसाज करिए फेस पे, और फिर इसको धो लीजिए। धोने के बाद आपको बहुत ज्यादा फर्क आपकी स्किन में लगेगा, और अगर आपको पूरा आपकी स्किन को सही करना है तो इसको एवरी ऑल्टरनेट डे एक हफ्ते के लिए लगाइए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे इस फेस पैक को लगाने के बाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, आपको इससे कुछ मदद मिल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैंने पहले भी इस चैनल पे शेयर करी हुई है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं उनका बेनिफिट उठाने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।